दोस्तों, आज मैं आपको ये पांच कहानियां ऐसी बताऊंगा जो आपको लक्ष्य तक ले जाने पर मजबूर कर देगी। तो पहली कहानी है सफलता का रहस्य। ये सुकरात जी की कहानी है। सुकरात के विचार आपने जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं। ये सुकरात जी के विचार थे। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलासफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई को मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उसी व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे। व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। दूसरी कहानी है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी के तरह के गुरुकुल भेज दिया गया। आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसको समझ में ही नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच में वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु जी ने भी आखिरी हार मान ली। आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मेरे सारे प्रयास करके देख लिया, अब यही उचित होगा कि तुम वहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने भी यही सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी देर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी, और कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिला से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाया, ये तो पानी खींचते खींचते समय इसे कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर में भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने सोचा, विचार किया, जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों में मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धि, मध्य सिद्धि, सरल सिद्धि और गीर्वाणमंजरी का रचना की थी। अब इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली दोस्तों? अभ्यास की शक्ति का तो वो कहना है ही क्या है, यह आपके सपनों को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में या पढ़ाई में या किसी चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे रहेंगे तो आखिर में आपको प्रस्ताव के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर अपनी मंजिलों के पाने के लिए जुट जाए। तीसरी कहानी अभिनव बिंद्रा की। उनको जीत थी, गोल्ड मेडल की जुनून थी, गोल्ड मेडल दिलाया था। जो ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जीत और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियंस में बिंद्रा की ट्रीटमेंट रही इंटरनेशनल शूटर। श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वो कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 सालों से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वो कर दिखाया। ऐसे बदली दुनिया। श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव का व्यवहार में चंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। एक संस्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियंस के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, तो बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे।
शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक का पद नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा था। उनका व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गए। उसके बाद वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते थे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पादकलॉजिस्ट एवं फिजियो नियुक्त किया। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उन्हें मेडल ना जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वो क्षमता है जो व्यक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता का अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था। चौथी स्टोरी है भारत रत्न प्राप्त एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तामिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआर को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाला एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। देश हित में अपना सर्वस्व निछावर करते हुए सदा उत्कृष्ट के पद पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में अथक परिश्रम करते हुए भारत के सुपर पावर बनने के लिए प्रयासरत थे। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति बने। वो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे भारत रत्न से होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम को देश का अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट को साक्षात 9वें नंबर पर आने के कारण कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था। उन्हें निराश होना पड़ा। वो ऋषिकेश बाबा शिवनंद के पास चले गए, अपनी व्यथा सुनाई। बाबा ने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। यू आर नॉट डेस्टिनी टू बिकम योर एयरफोर्स पायलट। वाट योर डेस्टिनी बिकम योर नॉट रिवेल्ड। कहने के बाद बाबा शिवनंद ने कहने का अर्थ यह है कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं का द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर आप पर भरोसा करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नायक की तरह आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा किया। उसका राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा की पूंजी है और हमेशा याद रहेगी। लास्ट कहानी है महान गणितज्ञ रामानुजन धुन की, जो एक पक्के थे। रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोडे कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर कलर का काम करते थे। रामानुजन के जीवन में उनकी माँ का बहुत प्रभाव पड़ा। जब वह 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस.एल. नोनी द्वारा लिखित गणित की एक किताब को पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे ईश्वर के यहाँ से मिला था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट, कई अवार्ड मिले। 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल में स्नातक पास किए तो उन्हें रंगनाथ एवं पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। इसके बाद 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घरवालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में यह ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद रामानुजन नौकरी की तलाश में जुट गए। वो मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी ली किया। वो पुणे बीमार पड़ गए। इस बीच गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने पर उनका संपर्क न्यानवारा के जिले कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। रामानुजन गणित में कार्य में बेहद प्रभावित हुए और उन्हें आर्थिक मदद भी की। 1912 में मद्रास के चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। वो ऑफिस में कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहे। इसके बाद वो इंग्लैंड भी चले गए और उनका कार्य का खूब प्रशंसा मिली, जिसके अनूठे ज्ञान से उन्हें खूब सराहना मिली। 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो में चुना गया। वो भारत के पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। बहुत मेहनती और धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाई, बीमारी एवं अन्य परेशानी उन्हें धुन से नहीं डिगा पाया। वह अंत में सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों को शुमार किया गया है। 32 वर्ष की छोटी सी उम्र में इस प्रतिभाशाली देहावसान हो गया और दुनिया के एक महान गणितज्ञ ने खो दिया।